नमस्कार। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे एनएलपी के प्रिंसिपल्स की। तो एनएलपी की प्रिंसिपल है वो किसी भी घटना या जो भी बैड सिचुएशन है उसके ऊपर विश्लेषण करने के बजाय उनके सॉल्यूशन ढूंढने पर जोर देता है कि उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। एनएलपी का मानना है कि अगर एक इंसान कुछ कर सकता है तो दूसरा कुछ भी कर सकता है, बल्कि उससे बेहतर कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने डिजायर्ड आउटकम को पाने के लिए आप स्पष्ट रहिए कि आपको पाना क्या है। एनएलपी में यही जानने का क्वेश्चन है कि आप क्या चाहते हैं, और दूसरा यह जानने में सक्षम होना कि दूसरे क्या चाहते हैं। आप जो स्थिति पाना चाहते हैं उसके परिणाम क्या होंगे, और परिणाम वही होंगे जो आप चाहते हैं, और कार्य वो है जो आप इस परिणाम को पाने के लिए करते हैं। तो अपने डिजायर्ड आउटकम पाने के लिए तीन बातें ध्यान में रखिए। फर्स्ट, कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, अब आप कहाँ हैं। सेकंड, आपकी वांछित स्थिति क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं अपने आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। थर्ड है कि आप वर्तमान स्थिति से अपने जो डिजायर्ड कंडीशन है, स्थिति है, उसमें पाने के लिए आप कैसे रणनीतियाँ बनाएं, उसके लिए आप अपने थॉट्स तैयार करिए, मेहनत करिए, उसका रास्ता क्या होगा, वहाँ पर आपको कैसे कैसे थॉट्स का सामना करना पड़ सकता है, कैसे कैसे लोगों से आपको मिलना पड़ सकता है, या जो भी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे उससे आपको कैसे बचना है। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हर बार करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हर बार आपको मिलता है। इट्स जस्ट एक कंप्यूटर प्रिंसिपल कि हम जो इनपुट हम देते हैं हमें वही आउटपुट मिलता है। तो हम सेम क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर कुछ बड़ा पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ बड़ा पाने के लिए अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए और क्वांटिटी को बढ़ाइए। उसके लिए आपने जो पहले जो भी कारण रहे आपकी हार के, फेलियर के, तो उसके ऊपर ही विश्लेषण मत करते रहिए कि आपने ये किया इसकी वजह से हो गया या फिर उसकी वजह से हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिस्पॉन्सिबल बनिए, उसके बाद में सॉल्यूशंस पर विचार करिए कि इसके अब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और जो सॉल्यूशंस है उसके ऊपर चलने के बाद में आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो उसके लिए आप तीनों बातों को ध्यान में रख करके अपना एम डिसाइड करिए, अपना गोल बनाइए, और फिर उसके ऊपर लगे रहिए। धन्यवाद। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनएलपी के थर्ड प्रिंसिपल की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।